नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोचेस, कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट। इस सब को समझने के बाद आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आज हम लोग कुछ सवालों की बात करेंगे। तो लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। सबसे पहला सवाल कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600, 600 रुपए में कोई एक आर्टिकल को एक आदमी बेच रहा है जिसमें उसे 600 रुपए 20% की हानि होती है। 20% का मतलब होता है 1/4, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। एट वॉट प्राइस ही शुड सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब यूजुअली क्या है, मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे दोनों ही जगह 20-20% होता, 20-20% होता, तो आप सीधे सीधे क्या करते, 600, 5, एक कम कर दिया 5 से, लॉस के लिए 4 और एक प्रॉफिट के लिए 1 बढ़ा दिया, इस तरीके से कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, क्या है, दोनों अलग अलग है, तो आप क्या करें, 20% का मतलब हो गया 1/5, 10% का मतलब हो गया 1/10। आप इन दोनों को सेम कर ले, इन दोनों को सेम करने का मतलब है ₹2 × 2, यानी ₹10 की चीज में ₹2 की हानि, यानी 600 जो है 80 के बराबर, 600 जो है वो 80 के बराबर, 80 कह रहा हूँ, 8 के बराबर, 600 जो है वो 8 के बराबर, और 10 से 1 ज्यादा पर बेचना है, 10 से 1 ज्यादा पर बेचना है, यानी 11 पर बेचना है, 10 से 1 ज्यादा पर बेचना है, यानी कि 11 पर बेचना है। अब आपने इसे डिवाइड करने का प्रयास किया, आपने क्या किया, 8 से इसे डिवाइड किया, 8 से इसे डिवाइड किया, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 4 बचा 40 हो गया 5, 75 75 × 11 आपका कितना हो गया 825, यानी कि ऑप्शन 4 सही जवाब। अब देखो इसको हम लोग एक लॉजिकली और जल्दी कैसे कर सकते थे, छोटा सा पार्ट है। आप कहते 20% के लॉस पर बेच रहा है, यानी 600 जो है वो 80 के बराबर, 100 में से 20 कम हो गया 80 के बराबर, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 10% के लाभ पर बेचना है, तो 110 पर बेच दिया, 10 से 10 कैंसिल, देखो वहीं पे वही कंडीशन आ गई। इसका फायदा क्या हुआ, इस तरीके से करने का फायदा आपका ये हुआ कि जो आपको बैलेंसिंग वाला पार्ट आ रहा था वो नहीं करना पड़ा, आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ा जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे, क्या 20% लॉस 80 पर बेचा जा रहा, तो 600 / 80, 10% का लाभ 110। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने देखा 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल देख लो, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, आंसर आ गया, सही है। तो आपने देखा 600/8 × 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल देख लिया, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 तो वो दिख रहा था, 11 का मल्टीपल चेक करना आता है ना। देखो ऑल्टरनेटिव नंबर्स का सम देखो, 7 और 0 7 7 - 5, क्या 0 या 11 बन रहा है, नहीं है, अगर 0 या 11 बनेगा तभी आंसर आएगा, 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 7 + 5 आपका हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया, फिर 7 5 बचा, नहीं है 0 और 11, 8 0 0 8 आ रहा है, नहीं है, यहाँ पे देखो 8 और 5 13 13 में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस किया 11 बच रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल है, यही ऑप्शन है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी में अपन लोगों ने पढ़ा था ये, है ना। अब अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120% ऑफ द सेलिंग प्राइस, क्या कहा जा रहा है, जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 120% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब 120% का मतलब क्या होता है, 120% का मतलब होता है 6/5, 120% का मतलब क्या होता है 6/5, फ्रैक्शन वैल्यू बनाई अपन ने। अब कह रहे सेलिंग परसेंट का है, सेलिंग प्राइस का है, तो एसपी आपका 5 है, सीपी 6 है, तो अब पहले तो आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि एसपी छोटा है, यानी जितने में आपने खरीदा उससे कम पर बेच रहे हो, 6 रुपए में खरीदा है 5 रुपए में बेच रहे हो, क्या हो गया 1 रुपए की हानि हो गई, कितने पर हो गई, 6 पर हो गई, 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है 16.66,
परसेंट और ये आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप आग बंद करके ऑप्शन सेकेंड 16.66% लॉस लगा। क्लियर है बात, इजली हो गया ये सवाल। क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अगर याद नहीं है तो याद करना शुरू करिए। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से आप परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, इवन रेशियोज का पार्ट कई बार आप सॉल्व कर लेते हैं, प्लस DI में ये आपको मदद कर देता है, इसके अलावा एलिगेशन मिक्सचर में मदद करता है, और कई बार जहां पर भी परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में भी हो जाता है, ज्योमेट्री में भी हो जाता है, टाइम एंड वर्क में भी हो जाता है, यानी हर जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर चैप्टर में। पर कुछ चैप्टर तो कोर है, जैसे प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, परसेंटेज, इनमें तो आपको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए इसी बात पे क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 4/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपको सीधे सीधे ही कह दिया SP जो है वो 4/5 टाइम्स ऑफ CP है, तो CP 5 तो SP 4, CP 5 तो SP 4। क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, दिख रहा है सीधे सीधे, एक का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, यानी 20% लॉस हो गया। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर, सही है। SP इज इक्वल टू 4/5 ऑफ CP, तो आपको पता चला जो CP है वो आपका क्या हो गया, 5 है। क्यों, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, CP को 5 माना, 5 से 5 कैंसिल, SP 4, CP 5, SP 4, तो क्या हो गया, एक का लॉस हो गया, कितने पर हो गया, CP पर, 5 पर, 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, हमें क्या दिख रहा था कि CP बड़ा है SP से, तो लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन सेकेंड इज योर राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹2240। एक आदमी है जो किसी वस्तु को 2240 रुपए में बेचता है एंड गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%, और उसे क्या होता है, 16/2/3% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है, 16/2/3% का लाभ हो रहा है। ड्यू टू डैमेज इन आर्टिकल ही हैज टू सेल इट ऑन अ लॉस ऑफ 25%, पर क्या हुआ, उसे इसे 25% पर बेचना पड़ा। क्यों, क्योंकि कुछ डैमेज हो गया था। व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप फिर से फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/6, यहां पे आपकी वैल्यू हो गई 1/4। ठीक, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब इस तरीके की वैल्यू आए आप इसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, सीपी को सेम करना चाहिए, है ना। तो सीपी को सेम कर रहे हैं तो इंटू टू, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका है 2/12, 12 रुपए की चीज है, 2 का लाभ हो रहा है, सही, 12 रुपए की चीज है, 2 का लाभ हो रहा है, यानी कि 2240 14 के बराबर था, 2240 14 के बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/12, 12 रुपए की चीज है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है, 12 रुपए की चीज है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 9 रुपए, 12 में से 3 कम पर बेच रहा है, 25% का लॉस है ना, तो 12 से 3 कम पर बेच रहा है, यानी 9 पर बेच रहा है। अब आपने क्या किया, इसे डिवाइड करा, तो 7 से कर दूं पहले, 2 टाइम 7 से 3 140 20, 2 से डिवाइड कर दिया तो 160 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1440, 160 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1440, 16 इंटू 9 16 इंटू 9, 144 होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आंसर क्या आ जाएगा, 1440। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर कर ये सवाल कर सकते हैं। फिर से बताते हैं, देखो क्या है, 16 सही, इसका मतलब होता है 1/6, इसका मतलब है 1/4, बेस सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, ये आपका हो गया 2/12, ये आपका हो गया 3/12। तो अब 12 बेस है, लाभ हो रहा था तो 12 प्लस 2 14 पर बेच रहा था, 2240 14 के बराबर,
12 पे बेच है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 3 का लॉस हो रहा है यानी 9 पर बेचता होगा। 14 से इसे डिवाइड करोगे 160 टाइम चला जाएगा, 160 इंटू 9 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1440। सही है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 540 इज इक्वल टू द लॉस ही गेट्स व्हाइल सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर रुपीज 400, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहले हम लोग इसे बेसिक से देखते हैं फिर इसकी ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसे किससे देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। बेसिक क्या कहता है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 540। 540 पे अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है जिसका हम सीपी मान लेते हैं सीपी, तो प्रॉफिट कितना और होगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू द लॉस व्हाइल सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 400। अब सीपी है और 400 पर बेचा जा रहा है, सीपी पर है और 400 पर बेचा जा रहा है, यहां से लॉस क्या हो जाएगा सीपी माइनस 400। ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये लॉस आ गया, बोला गया ये दोनों इक्वल है, बोला क्या गया है ये दोनों इक्वल है। तो अब इक्वल है इसका मतलब ये सीपी अगर मैं इधर ले आऊं, ये सीपी उठाकर इधर ले आऊं, ये 400 उठा के इधर ले आऊं, तो ये कितना हो जाएगा 940 इक्वल टू 2 सीपी। 400 प्लस 540 940, सीपी प्लस सीपी हो जाएगा तो 2 सीपी, 2 से ये आपका चला जाएगा 470 टाइम्स 47 इंटू 2 94 होता है, या 94 डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो 47 आ जाएगा, 10 ऐसे हो जाएगा। तो सीपी आपका हो गया ऑप्शन थर्ड 470, ठीक है। अब इसके लिए आप सिंपल सा एक बात याद रखो कि कोई वस्तु थी 540 की, ये वस्तु है 400 की। अब यहां कहीं बीच में सीपी लाए कर रहा होगा, यहां कहीं बीच में सीपी लाए कर रहा होगा, लेकिन आपको पता है यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो आपका लॉस। ये आपको क्या बोला गया है इक्वल है, ये अगर इक्वल है यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1:1 में टूट रहा है। अगर ये 1:1 में टूट रहा है तो सीपी एग्जैक्टली इनके बीच में आ रहा होगा। अगर इनके बीच का रेशियो 1:1 है यानी सीपी क्या है एग्जैक्टली इनके बीच में आ रहा होगा। अगर एग्जैक्टली बीच में आ रहा है तो आप क्या करोगे इनका मीन निकाल लोगे। मीन कैसे निकालोगे, सम कर दोगे दोनों का और डिवाइड बाय 2, सम कर दोगे दोनों का और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको पता है ये 940 बटे 2 हो जाएगा तो 470 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली बार कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल दे रखा हो अलग अलग सेलिंग प्राइस पर, तो आप क्या करते हैं दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। इतनी बात क्लियर, अगर क्लियर है तो अगला सवाल आप लोग सॉल्व करिए। थोड़ा सा उसको एक नॉच टफ करा है पर मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग चुटकियों में से सॉल्व कर लोगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और फिर जुड़े हमारे साथ, तब तक मैं बताऊंगा फिर इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, मानता हूं आप सब लोग गए होंगे अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने और सॉल्व करके वापस आए होंगे और आप सभी का आंसर सही आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे इसका आंसर सही कैसे निकालेंगे और फिर कभी आप ये गलत नहीं करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया सवाल में, देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 620, आर्टिकल को 628 रुपए में बेचता है, तो इज इक्वल टू द लॉस गेट्स व्हाइल सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर 572। 628 की चीज जब बेचता है तो जितना लाभ हो रहा है वो उस हानि के बराबर है जब उसे 572 पे बेचा जा रहा है। तो मेरे को पता है यहां पर मैं सीपी कैसे निकाल सकता हूं, इस वस्तु का सीपी कैसे निकलेगा, 628 प्लस 572 डिवाइड बाय 2। अभी मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा हो दो अलग अलग सेलिंग प्राइस पर तो आप मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड डिवाइड बाय 2। अब 28 उठा के मैं इधर दे दूं, 28 उठा के इधर कर दूं तो 600 हो जाएगा ये भी, तो 600 प्लस 600 1200, 1200 का आधा होता है 600, आप इन्हें ऐड करोगे 1200 आएगा, 1200 का हाफ कर दोगे तो 600 हो जाएगा। आप कह रहे हैं ऑन व्हाट प्राइस शॉपकीपर शुड सेल दिस आर्टिकल टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% लाभ पाना है तो कितना पर बेचे, 20% लाभ का मतलब हो जाएगा 6/5 पर बेचे। 20% का लाभ कितना होता है, 20% का लाभ मतलब 1/5 होता है, 5 से एक ज्यादा पर बेचे यानी 6/5 पर बेचे, 5 से ही आपका कितनी बार चला जाएगा, 5 से ही आपका चला जाएगा 120 टाइम।
12 इंटू 5 60 होता है, 12 पंजे 60, 12 इंटू 5 60 और एक जीरो एज इट इज, 120 इंटू 6 720 आंसर। तो कितना आंसर आ गया 7। क्लियर है बात? तो अब देखो आप इसे वर्बली कर सकते थे 628 प्लस 570 के, यहाँ पे आपने देखा ये 28 साथ ही इधर जुड़ जाए तो ये 600 600 600 1200, यानी इनके एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू 600 है। 600 का 120% निकाल लो, देखो 600 का 120% निकालना है, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो आ रहा है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे 120 इंटू 6 कर दूंगा, 120 12 छिंग 72, 12 6 72 72 यही दिख रहा है, यही आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से ये सवाल वर्बली कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700, कोई वस्तु को ₹700 में बेचने पर इज 25% मोर देन द लॉस इंक्योर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 475। देखो अगर मैं इसको बेसिक से जाता तो ये क्या हो जाता कि 700 माइनस सीपी जो है वो 125% है सीपी माइनस 475। फिर आप यहां से सॉल्व करते सीपी निकालते और उसका फिर 25% निकाल लेते, इतना आप लोग कर लोगे मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। पर अगर मुझे इसे बेसिक जल्दी सॉल्व करना है तो मैं क्या सोचूंगा, देखो ये 700 है ये 475, ठीक है, बीच में कहीं सीपी आ रहा है। अब 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, तो अगर यहां पर लॉस ₹4 का है, यहां पर लॉस ₹4 का है, तो आपको पता चला प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा 5 का, 4 से 1 ज्यादा हो रहा है ना 25% का मतलब, यानी लॉस अगर 4 का है तो प्रॉफिट हो रहा है 5 का, तो आपको पता चल गया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 25, अगर इसमें जोड़ दूं तो 500 से 700 200, डिफरेंस है 225। ये 225 जो है वो 5:4 में टूट रहा है, 475 से 700, यानी 225 का जो डिफरेंस है वो 5:4 में ब्रेक हो रहा है। आपको पता चला अगर ये 5:4 में ब्रेक हो रहा है तो 225 9 के बराबर है, 4 कितने के बराबर हो जाएगा 9 से, ये आपका कितनी बार चला गया 25 बार, 25 into 9 225, 25 नमा 225, तो 25 into 4 हो गया 100, यानी यहां से यहां तक का डिफरेंस है 100, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा 575, सीपी आपका कितना हो गया 575। आपसे क्या कहा जा रहा है 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 575 into 5/4, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए फिर डिवाइड करिए 4 से, तो 5 5 25 5 2 कैरी, 5 5 35, 2 कैरी था 7 3 कैरी, 5 5 25, 3 ऊपर था 28 75, डिवाइड बाय 4, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया 7 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा 35 हो जाएगा, 8 बार जाएगा 718.75 आंसर आ गया, 718.75 आंसर आ जाएगा, 32 हो गया ना, 3 बचा 0.75 हो जाएगा, तो 718.75 आपका आंसर। फिर से बता रहा हूं ध्यान से देखिए, कोई चीज ₹700 की थी और सीपी यहाँ है ये 475 की थी, तो जब ये ₹4 का लॉस होता है यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है 5 का, कैसे निकाला 25% का मतलब हो जाता है 1/4, तो अगर लॉस है 4 का ये उससे एक ज्यादा है यानी 5, सही है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 225, ये इसी रेशियो में ब्रेक होगा, तो 225 जो है वो 9 के बराबर, 5 + 4 9 के बराबर, 4 कितने के बराबर हो जाएगा 9 से, ये 25 times 100, यानी सीपी जो है वो आपका हो जाएगा 475 से 100 ज्यादा, यानी 575। अब आपको क्या करना है 575 के 5/4 भाग पर, 25% प्रॉफिट है ना, तो 4 से 1 ज्यादा पर 5/4 पर बेचना है, 575 into 5 किया तो 75 into 5 कितना होता है 375, 75 into 5 कितना होता है 375 आया, 3 कैरी, 5 into 5 25, 3 कैरी था 28 हो गया, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड किया 4 7 28, 4 1
थ्री बचा 35, 4 8 जा 32, 3 बचा यानी 0.75, तो आंसर आ गया आपका 718.75, ऑप्शन वन इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, अ मैन वॉज सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या कर रहे हैं, एक आदमी है 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल, अब सेलिंग प्राइस क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। अब देखो लॉजिकली अगर मैं जाऊं, ये अभी मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप वर्बली करेंगे। सीपी 100 है, 20% का प्रॉफिट है, तो एसपी अब आपका क्या हो गया, 120%। अब एसपी 120% है, इसको डबल किया गया, यानी जो नया एसपी है वो हो गया 240%। इसको डबल कर दिया गया ना, तो ये कितना हो गया, 240%। अब आपका पूछा जा रहा है न्यू प्रॉफिट परसेंट, तो 100 रुपए की चीज को 240 पर बेचा जा रहा है, नया लाभ कितना हो गया, 140। तो थर्ड ऑप्शन 140 इज द राइट आंसर, 140 थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब वर्बली कैसे करोगे, पहले 20% का लाभ था, पहले 20% का लाभ था, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। अब इसी सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है, यानी अगर आप एक बात समझो, 120 पहले था तो 20 का लाभ, अब डबल कर दिया गया, यानी ये जो 120 आ रहा है ये पूरा पूरा लाभ हो जाएगा, यानी जो अभी सेलिंग प्राइस है उतना पूरा लाभ आएगा, और 20 लाभ ये हो ही रहा था, एक जो सेलिंग प्राइस है उतना लाभ आएगा ही, जो डबल कर रहे हैं ना उतने का एज इट इज आ जाएगा, और 20 लाभ ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 140। या आप इतना ना सोचना चाहो, 20% का लाभ है, 100 रुपए की चीज है, 120 डबल करा 240, 100 माइनस कर दिया, 140 आंसर। सिंपल क्या है, 100 रुपए की चीज है, 20% का लाभ है, 100 रुपए की चीज, 20% का लाभ, 120% हो गया, डबल किया 240 हो गया, 100 रुपए की चीज थी, 240 में बेची जा रही है 140। क्लियर, इसी बात से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 40%, एक दुकानदार को 40% की हानि हो रही है जब वो किसी वस्तु को कितने पर बेच रहा है, कोई प्राइस पर बेच रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, देन द न्यू प्रॉफिट परसेंट। अब दिमाग लगाओ, 100 रुपए की चीज थी, 40 की हानि हो गई, यानी 40 रुपए घाटे पे बेच रहा है, तो कितने पे बेच रहा है, 100 में से 40 कम कर दिया, 60 पर बेच रहा है, 100 में से 40 कम कर दिया, 60 पे बेच रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, अब इसको हमने तीन गुना किया, 60 का 3 गुना कितना हो गया, 60 का 3 गुना आपका हो गया 180, यानी 100 रुपए की चीज पर 80 का लाभ, 100 रुपए की चीज पर 80 का लाभ, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 80। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80%। क्या कहा, 100 रुपए की चीज थी, 40 का हानि हो रही है, 100 रुपए की चीज, 40 की हानि, 60, ठीक है, इसका 3 गुना किया गया, 180, डिफरेंस कितने का आ गया, 80 का, डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों, 80 का आ गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। इसी साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, अब क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस आर्टिकल का डबल कर दिया, अ मैन विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो एक छोटा सा दिमाग लगाना, ठीक है, एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कि अभी अगर 30% का प्रॉफिट है तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो 130% के बराबर है, जो नया सेलिंग प्राइस है वो 130% के बराबर है, और नया सेलिंग प्राइस जो है वो ट्वाइस ऑफ पुरानी सेलिंग प्राइस के, क्योंकि सेलिंग प्राइस को डबल किया गया। अगर ये ट्वाइस ऑफ पुरानी सेलिंग प्राइस का है तो पुराना सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 का आधा होगा, यानी 65 होगा, तो अब आपको लॉस कितने का हो रहा होगा, सेलिंग प्राइस 65 है तो 100 माइनस 65 35% का लॉस हो रहा होगा, 35% का लॉस, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट, ऑप्शन सेकंड इज द राइट। तो आपने क्या किया, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 30% लाभ पर अभी बेचना बेचता है, तो यानी 130 पर बेचता है,
ये 130 तब आ रहा है जब प्राइस को डबल किया गया, यानी एक्चुअली क्या होगा, इसका आधा होगा। अगर इसका एक्चुअली आधा होगा तो 130 का आधा कितना हो जाएगा, 65, यानी 100 रुपए की चीज थी 65 पर पहले बेच रहे थे, यानी 35% की हानि हो रही होगी। ऑप्शन सेकंड आंसर सही है। चलिए तो आज का जो सेशन था वो बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा इंफॉर्मेशन वीडियो गुरु की उनके साथ। और अगले सेशन में बात करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की और बहुत सारी ट्रिक्स की और बहुत सारे सवालों की, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।